नमस्कार दोस्तों, स्वागत कर रही हूँ आप सभी का शिक्षा प्रवाह में। बेटा, आज आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, 11th क्लास के बच्चों ने बिजनेस स्टडी का मिड टर्म एग्ज़ाम CBSE बोर्ड के जो आपके जा रहे हैं। इवनिंग शिफ्ट में क्लास 11th के बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट कोड है 054 की मार्किंग स्कीम आप इस वीडियो में देखेंगे। 80 नंबर का पेपर बेटा आप लोगों ने आज किया है, 3 घंटे का टाइम इसके लिए आपको दिया गया था। तो क्वेश्चन पेपर साथ में रखेंगे और टिक करते चलेंगे अपने राइट आंसर पर। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं फर्स्ट का सी इकोनॉमिक्स, बाकी आप लोग स्क्रीन पर देखते जाएं और राइट आंसर पर टिक लगाते जाएं। इसी के साथ बेटा, अगर आप शिक्षा प्रवाह पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको शिक्षा प्रवाह को सब्सक्राइब करना है। इसी तरह की अपनी बाकी सब्जेक्ट की मार्किंग स्कीम, आंसर की, पेपर सॉल्यूशन, CBSE सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स और इसके अलावा CBSE अपडेट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 का ए लाइफ इंश्योरेंस, 11C ई बैंकिंग। ऑप्शनल क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए थे, 17 क्वेश्चन आपको विकल्प दिया गया था और करके क्वेश्चंस आपसे पूछा गया था। 18 क्वेश्चन का आंसर आप लोग आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बेटा, आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहते होंगे, क्योंकि क्या रहता है कि हम लोगों को किस तरह से आंसर्स को लिखना चाहिए जिससे कि हम पूरे नंबर उस क्वेश्चन के ले सकते हैं, तो उसके बारे में हमें इस आंसर की से पता चल जाता है। तो बेटा, वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, स्कूल ग्रुप में शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है कि कितने नंबर आप लोगों के लगभग बन रहे हैं या आपका एग्ज़ाम पेपर कैसा हुआ है। वीडियो के रिगार्डिंग कोई सॉल्यूशन मेरे को देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। आंसर नंबर 24, डिफरेंस। विकल्प आपको दिया गया है इस क्वेश्चन में। ई बिजनेस के बारे में आप लोगों को बताना था, 3 नंबर में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 25, आंसर नंबर 27, 28। सिर्फ यहाँ पर आपको टॉपिक इन्होंने, एक तरह से हेडिंग इन्होंने दिया, उसके बारे में एक्सप्लेन आपको करना है। कोई भी 4 हेडिंग्स को एक्सप्लेन करना है, अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो। छः नंबर का क्वेश्चन है बेटा आपकी स्क्रीन पर, आंसर नंबर 31। तो बेटा, ये थी आप लोगों की मार्किंग स्कीम। जो आपका 31st आंसर है उसके अंदर आपको आधा नंबर मिलेगा नाम देने के लिए और आधा नंबर मिलेगा हर एक लाइन के लिए। तो आशा करती हूँ एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा गया होगा, बढ़िया मार्क्स आप अपने एग्ज़ाम में लेकर के आएंगे। तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ और क्लास ग्रुप में शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।